छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पूरे देश में राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसी दिन आज से यहां पर भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है, कांग्रेस भवन से यात्रा निकली थी। आज के दिन ये यात्रा निकल रही है, कुछ विशेष वजह? आज के दिन ही शुभारंभ हुआ था भारत जोड़ो यात्रा का, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 136 दिन और 3500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय हुआ था, जहां देश को जोड़ने के लिए, देश की नफरत, देश में नफरत को मिटाने के लिए और शांति का संदेश देने के लिए पैदल यात्रा शुरू हुई थी। ये बताइए, आप लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल किए हैं कि भारत टूटे ही कब था तो उसको जोड़ने के लिए यात्रा निकाली जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनलगर आरोप लगा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मणिपुर भी देश के हिस्से है। आज मणिपुर का क्या हालत है? हरियाणा भी देश का एक बड़ा राज्य है, उसका क्या हालत है? वहाँ नफरत फैला हुआ है, इसी नफरत को मिटाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी। तो आपने सुना कि नफरत को मिटाने के लिए यात्रा शुरू की थी और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है और कांग्रेस प्यार की मोहब्बत फैलाने के लिए लगी हुई है और यही वजह है कि यात्रा निकाल रहे हैं। अभी कांग्रेस भवन से यात्रा शुरू हुई है। आप जरा के कांग्रेस के बड़े सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। विधायक कुलदीप जुनेजा है, महापौर राज ढेबर है, सभापति प्रमोद दुबे है, विधायक सत्यनारायण शर्मा है, तो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है और यह यात्रा कांग्रेस भवन से निकली है जो कोतवाली चौक सदर बाजार होते हुए ब्राह्मण पर आजाद चौक पहुंची थी और गांधी जी के पुतला के सामने ये यात्रा खत्म होगी। और इस पर दीपक बैज ने कहा कि जब यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा तो ये यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, आईबीसी 24 रायपुर।